नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज। मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए रुख करते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों की तरफ। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा पंडित दीनदयाल जन्म शताब्दी के वर्ष उपलक्ष्य में खेलो भारत अभियान के अंतर्गत भारतीय ग्रामीण परिवेश के खेलों खो खो, कबड्डी, मलखंब, कुश्ती एवं रस्साकसी आदि का जिला स्तरीय महासंगम आयोजित किया जा रहा है। इस महासंगम में भारतीय खेलों को प्राथमिकता दी जा रही है। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा इस प्रकार हर खेल क्षेत्र में प्रदेश स्तरीय टीम तैयार करने का लक्ष्य है। संपूर्ण मध्य प्रदेश में हमारे प्रदेश नेतृत्व द्वारा युवा मोर्चा को भारत खेलो अभियान के अंतर्गत संपूर्ण 51 जिलों में मध्य प्रदेश के आज ये 1 अगस्त से इसकी शुरुआत हो रही है और ये जिला से लेकर सभी मंडलों में इसका शुभारंभ किया गया है एवं 1 से 10 जुलाई तक सभी मंडलों में खेल हो जाएंगे। उनमें से जो टीमें निकल के आएंगी वो जिला स्तर पर खेलेंगी और जिले की टीम संभाग में जाएगी और हमारा फिर एक संभाग की टीमें प्रदेश लेवल पर खेलेंगी। और इसका उद्देश्य जो है वो है कि हमारे भारत में भारतीय संस्कृति के और संस्कारों के जो खेल हैं वो हमारे पुराने रस्साकस्सी है, कुश्ती है, मलखंब है, खो खो है, कबड्डी है, इन खेलों को हमें भारत में बढ़ाना है। और इसी उद्देश्य से हमारे मध्य प्रदेश नेतृत्व माननीय भैया अभिलाष पांडे जी द्वारा हमें ये आदेश दिए गए हैं कि इसी प्रकार के खेल पूरे संपूर्ण मध्य प्रदेश में चल रहे हैं, जो कि गुना में भी हमने शुरुआत कर दी युवा मोर्चा गुना। विश्व स्तनपान सप्ताह का हुआ आज विधिवत शुभारंभ। अस्पताल परिसर में आज विश्व स्तनपान सप्ताह का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने सम्मिलित होकर इस विषय पर जानकारी हासिल की। यह सप्ताह 1 अगस्त से शुरू होकर 7 अगस्त तक चलेगा। ग्राम पिपरौदा से टेकरी सरकार के लिए निकाली गई 108 झंडा यात्रा। पिपरौदा ग्राम के रहवासियों ने आज पिपरौदा से लेकर टेकरी सरकार गुना तक पैदल 108 झंडा यात्रा निकाली। इस झंडा यात्रा में सभी ग्रामीणों के हाथ में झंडे थे, जिनकी कुल संख्या 108 थी। इस यात्रा का समापन टेकरी मंदिर पर जाकर हुआ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने आज शासकीय कॉलेज में दिया धरना। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पहले तो रजिस्ट्रेशन के नाम पर सभी छात्रों से पैसा खर्च करवा लिया, उसके बाद शाम को एक फरमान जारी होता है जिसमें बताया जाता है कि जितने भी रजिस्ट्रेशन हुए थे वह निरस्त किए जाते हैं। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि इस तरह की मनमानी नहीं होनी चाहिए और जिन छात्रों के रजिस्ट्रेशन हो गए हैं उन्हें यथावत रखकर बाकी के छात्रों के भी रजिस्ट्रेशन होने चाहिए। जिस प्रकार
प्रकार हर वर्ष की तरह जिस समस्या पुनः इस बार फिर 2017 में दोहराई गई है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लगातार आंदोलन पे आंदोलन करी जा रही है, लेकिन जो प्रदेश सरकार के अंदर और शिक्षा के अंदर जिस तरीके की उनके कान में जू भी नहीं रेंग रही है और आज की तारीख में पुनः छात्र जिस तरीके से परेशान हो रहा है प्रवेश प्रक्रिया को लेकर, पुनः परेशानी को उसको झेलना पड़ रही है। कल 31 तारीख को रजिस्ट्रेशनों को चालू कर दिया गया था, लेकिन जब बेचारे छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कर दिया उनका पैसा खर्च हो गया, तो दोपहर में शाम को खबर आती है कि जितने भी पंजीयन किए गए थे वो सब निरस्त कर दिए जाते हैं। तो इस तरीके का खेल क्या है? और ये शिक्षा मंत्रालय में बैठे हुए जो बड़े अधिकारी हैं उनकी सोच के ऊपर ये प्रश्न चिन्ह आज की तारीख में उठाता है। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आज ये मांग कर दी है कि प्रवेश पंजीयन को पुनः चालू करा जाए, जिससे जो बच्चे इन चीज़ों से वंचित रह गए थे पुनः उनका पंजीयन हो सके, जिनको आसानी से उनको एडमिशन कॉलेज में और विश्वविद्यालय मिल सके। ग्राम सूजाखेड़ी से आए ग्रामीण आज जनसुनवाई में अपने ग्राम की विभिन्न समस्याओं को लेकर यहाँ पर आए। ग्रामीणों ने बताया कि उनके गांव में किसी भी सरकारी सुविधा का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है, जबकि वहां पर कई ऐसे लोग हैं जिन्हें उन योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। यहां कलेक्टर ने उन्हें आश्वस्त किया है कि उनकी शिकायत पर जल्द ही विचार किया जाएगा। ग्राम पंचायत सूजाखेड़ी है, जिसमें हमारे गांव में अनेक प्रकार के गरीब पात्र में आते हैं, लेकिन उनको जो सुविधा मिल नहीं रही है, जैसे विधवा पेंशन है, वृद्ध पेंशन है, विकलांग पेंशन है, न कुटीर मिल रही है, न लेटरिन बाथरूम मिल रही है। कुछ लोगों को मिली लेकिन कुछ लोगों को नहीं मिली, बहुत से लोगों को नहीं मिली, लेकिन वो उसकी पात्रता में आते हैं। जब ये सुविधा नहीं मिल पा रही है इन लोग हमारे गाँव वालों को, जिसमें पानी की व्यवस्था भी नहीं है, बिल की व्यवस्था भी, जो लाइट की व्यवस्था, कोई भी व्यवस्था। चरनोई जमीन पर कब्जे को लेकर भौरा गिर्द के रहवासी पहुंचे जनसुनवाई में। एक व्यक्ति द्वारा चरनोई भूमि एवं शासकीय तालाब पर कब्जा करने और तालाब को तोड़ने की शिकायत को लेकर आज ये ग्रामीण पहुंचे कलेक्टर के पास, जहां उन्होंने आश्वासन दिया कि उनकी शिकायत पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। ये चरनोई पर मतलब कब्जा कर रखा है गजराज सिंह नामक व्यक्ति ने, चरनोई में कब्जा कर रखा है गजराज सिंह नामक व्यक्ति के बैठे और क्या नाम शासकीय तालाब है, तालाब को भी फोड़ दिया है उसने, चाहते हैं उसको छुड़वाना चाहते हैं उसको। सब ग्रामवासी कलेक्टर साहब से मिले आए, क्या बोला कलेक्टर साहब ने बोला कि हम जाँच करवा लेंगे। तो नगर पालिका के विरुद्ध शिकायत करने पहुंचे रहवासी। पवन कॉलोनी के लोगों का कहना है कि यहां पर एक पुराना मंदिर है जिसकी दीवार बारिश के चलते टूट गई थी। जब मोहल्ले वाले उक्त मंदिर की दीवार को बनाने लगे तो नगर पालिका से कुछ लोग आकर उन्हें मना करते हैं कि दीवार नहीं बनाओगे, यदि दीवार बनाने की कोशिश की गई तो सारा सामान उठाकर ले जाएंगे। इस आशय की शिकायत करने आज रहवासी पहुंचे जनसुनवाई में। यह हमारा प्राचीन मंदिर है, धोबी घाट की जगह थी, उस जगह पे एक नया मकान निर्माण हुआ है, उसके पास में अपना जो मंदिर की जगह उसको अपन मंदिर को बनाना चाहते हैं, तो कुछ लोग उसमें आपत्ति लगा रहे हैं। ये अपना हनुमान मंदिर के लाने जो जाते हैं, हनुमान टेकरी के लाने, बीच में जो नई रोड बनी है उसके बीच में मंदिर है पवन कॉलोनी के पास। शेखपुरा से ग्रामीण पहुंचे सरपंच के खिलाफ ज्ञापन लेकर। जनसुनवाई में ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच जो भी निर्माण कार्य करता है उसमें धांधली कर रहा है और काम भी अच्छा नहीं हो रहा है। ग्रामीणों ने यह भी कहा कि यदि सरपंच से कुछ कहो तो वह उन पर नाजायज दबाव भी बनाता है। तुम्हें फोटो लेना है, एक दो फोटो तुम्हारे का। अरे एक फोटो से काम हो जाता। इस मामले में नहीं आए, हमारा सरपंच बहुत जोर से धांधली कर रहा है, खराब निर्माण कराता है। किस चीज़ का निर्माण करा रहा है? उसने करा है सीसी खड़ंजा स्कूल, न सर्व शिक्षा अभियान के, और न मरगढ़ शाला भी, वो भी खराब बनाई है और आंगनबाड़ी भी खराब बनाई है। शिकायत करिए सर, मैंने चार बार शिकायत करी। कौन सरपंच है? लीला धाकड़ है और उसका पति श्याम बाबू शिक्षक है, वो भी पढ़ाने नहीं आता, वो भी सरपंच जी का काम देखता है। क्या नाम है? मेरा नाम ब्रजेश यादव है, बोलते हैं दबाव देता है। कौन सी जगह क्या दबाव बनाता है? ये कहता है ये कर दूंगा वो कर दूंगा, पुलिस भिजवा दूंगा, जेल करवा दूंगा। कौन शिकायत कर रहा है? मैं कर रहा हूँ सर 2 महीने से। पुलिस ने शिकायत नहीं करी? करिए सर, पुलिस ने सुना, पुलिस सुन रही थी, पुलिस में बयान हो गए थे। कौन सा गाँव? रोड़ी पंचायत। फिर आया कैंट थाना हाशिए पर। एक व्यापारी वर्ग ने आज एसपी अविनाश सिंह को एक ज्ञापन प्रेषित किया, जिसमें उन्होंने बताया
कि कैंट थाना प्रभारी आशीष सप्रे उनसे अवैध पैसे की वसूली करते हैं। व्यापारियों का यह भी कहना है कि जब वह नानाखेड़ी मंडी से अपनी गाड़ियों में भैंस लेकर जाते हैं तो आशीष सप्रे उनसे पैसे की मांग करता है। साथ ही यदि पैसे देने में आनाकानी करते हैं तो इन पर झूठा मुकदमा लगा देने की धमकी भी देता है। बताइए, हम सब लोग व्यापारी हैं और जे आशीष सप्रे सब गाड़ पिकअप और जैसे डिग्गा इसको पकड़ लेता, पैसे ले लेता, दो भैंस भरी तो पैसे लेता, पांच भैंस भरी तो पैसे लेता और ज़्यादा करें तो साथ दारू रख देता। कैंट थाना प्रभारी के खिलाफ इतने मामले होने के बाद भी आज तक थाना प्रभारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। अब देखना यह होगा कि इतनी सारी शिकायतें होने के बाद भी क्या SP अविनाश सिंह मौन धारण करके रहेंगे या कोई कार्रवाई करेंगे। आपदा प्रबंधन पर कार्यशाला का आयोजन आज होमगार्ड कार्यालय में किया गया। इसमें DIG आपदा प्रबंधन राजेश शर्मा ने आपदा प्रबंधन के विषय पर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बारिश का मौसम चल रहा है और इस मौसम में कोई अनहोनी हो जाए तो उससे कैसे निपटा जाए, इसलिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज DIG आपदा प्रबंधन श्री राजेश शर्मा जी हमारे गुना विजिट पर आए हुए हैं। उन्हें मुख्यालय से निर्देश प्राप्त हुए हैं यहाँ पर, तो हमारे यहाँ पर आपदा प्रबंधन से संबंधित हमें कुछ अपनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ देंगे कि हमें किस तरीके से इस फील्ड में काम करना है और आगे क्या प्रोग्रामिंग है। सलामी सर ये सर बड़ी मशीन है इसमें सर पूरी अभी ये इसमें बहुत है ये सर ये चेंसो है ये सर आजकल लाइट है ये सर अपना पोर्टेबल इंजन। अभी आपको मालूम है बरसात का सीजन चल रहा है, बरसात के सीजन में पानी संबंधी काफ़ी आपदाएं हैं, बाढ़ संबंधी है। तो मेरा आने का उद्देश्य था यहाँ, हमारा जो जिला है, जिले की जो टीम है आपदा प्रबंधन की, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ, उसी से रूबरू होने का एक उद्देश्य था इस कार्यक्रम। दूसरा कार्यक्रम अखिल भारतीय कायस्थ महासभा सम्मान समारोह चित्रगुप्त धर्मशाला जाटपुरा में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में घनश्याम जी महाराज उपस्थित रहे। वहीं कायस्थ महासभा के जिलाध्यक्ष के रूप में संजय श्रीवास्तव को मनोनीत किया गया, जबकि युवा अध्यक्ष की जिम्मेदारी अंकुश श्रीवास्तव को दी गई। साथ ही उपस्थित जनों ने मनोनीत किए गए सभी पदाधिकारियों को पुष्पहार पहनाकर उनका सम्मान भी किया। आज हमारे मंदिर में मानस भवन में पधारे हुए घनश्याम जी महाराज पधारे थे। इसी के साथ अखिल भारतीय कायस्थ महासभा में अपने गुना जिले के अध्यक्ष मनोनीत किए गए हैं श्री संजय श्रीवास्तव CMO साहब एवं युवा अध्यक्ष मुझे बनाया गया है। इसीलिए इसी क्रम में हम लोगों का सम्मान समारोह रखा गया था और समाज के सभी लोग यहाँ पधारे हुए हैं। जिला स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन महारानी लक्ष्मीबाई विद्यालय में किया गया, जिसमें जिले भर से आए प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। वहीं उपस्थित जनों ने बॉक्सिंग के मुकाबले का आनंद भी लिया। जिला स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता 14-17-19 बालक बालिका वर्ग की MLB गुना में आयोजित की जा रही है। कल बजरंगगढ़ में भाजपा नेता द्वारा पड़ोसी शिक्षक से मारपीट के मामले में पीड़ित शिक्षक की बेटी आज पहुंची जनसुनवाई में, जहां अपर कलेक्टर नियाज खान ने पूरे मामले का संज्ञान में लेते हुए पीड़िता को पुलिस अधीक्षक के पास जाने को कहा। साथ ही आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन पीड़ित पक्ष को दिया। अच्छा, कल जो गलत है, बहुत गलत है, देखा है, बहुत गलत है सर। सुनवाई नहीं है फिर भी, और मेरा सर इधर पूरा पेट भर रहा है।
ये तो बहुत मारा है सर, बहुत गलत है। जीरो साहब बहुत कड़ी आलोचना होनी चाहिए। आप टाइम से क्यों नहीं जल्द सुनाई सर? हम बीच में पहले चक्कर आ गया, दूर से आई ना, हम रास्ता भूल गया, उधर पूरी फिर हमें तक। सर घटना ये हुई है, सर हम अपने घर का ताला खोल रहे थे, मेरे पिताजी और सर मैं भी थी, चाय बनाई थी मैंने, लेकर आई थी सर, ऊपर से इन्होंने कुल्ला करके पानी फेंका और फिर ये झूठ ये बोलते हैं, और सर लिखा भी वही हुआ है थाने में कि दो कुत्ते उलझ रहे थे, इन्होंने ऐसा लिखवाया सर। उनका पूरा प्लान था, उनका एक बच्चा है जो 10th क्लास में पढ़ता है वाले, उसने आकर सबसे पहले डंडे मारे सर बहुत जोर से, और सर हमारे बचाव में कोई नहीं आया, मेरे पिताजी नाली में पटक के, प्रदीप भट्ट ने, उसके बच्चे ने, आयुष ने, और सर उसकी पत्नी और उसकी बेटी भी आ गई सर, मुझे पकड़ा बहुत, हम दोनों में इतने डंडे दिए हैं, मेरे पापा इतने डैमेज हैं कि हम आपको क्या बताएं, मुझसे ज़्यादा मेरे पापा डैमेज हैं। विगत दिनों वकील की पिटाई के मामले में कुशवा समाज के लोगों ने अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष को सौंपा ज्ञापन। इस ज्ञापन के जरिए कुशवा समाज के लोगों ने वकील महेंद्र सिंह लोधी पर कई प्रकार के फर्जीवाड़े के आरोप लगाए हैं एवं अधिवक्ता संघ से उनकी जांच कराने की मांग भी की है। क्या हुआ था, कुशवा समाज की ओर से हम लोगों ने माननीय अध्यक्ष महोदय जी को एक ज्ञापन दिया था कि उन वकीलों के पूरे दस्तावेज पेश करके माननीय अध्यक्ष महोदय जी को दिया था जो अभिभाषक संघ के हैं उनके लिए। उसमें क्या है मतलब? उसमें फोर्जरी करके जो रजिस्ट्रियाँ कराई गई हैं उसमें फ़ोटो डिजाइन कर, वो पागल है चूँकि वो मानसिक, उसका सर्टिफिकेट भी उस जानकारी से अवगत कराया गया है कि मानसिक रोगी है तो उसकी रजिस्ट्री संभव ही नहीं है, इस तरीके से उसे एक इशू बनाया गया है वकीलों द्वारा, तो ये इशू ना बनाया जाए तो माननीय अध्यक्ष महोदय की जानकारी में आ जाए कि इस तरीके तो मतलब से वो जमीन बेची गई है वो फर्जी तरीके से। हाँ, जमीन पूरी फर्जी तरीके से बेची गई है। इस षडयंत्र सभी तरफ से कोई आश्वासन मिला नहीं? अभी देखो दे दिया आश्वासन के लिए, बात कर लेंगे बाद में सभी लोग मिलकर जो भी होता है, तो ये जानकारी में तो आया माननीय अध्यक्ष महोदय जी की हो सकता है। स्थानीय निजी हाई स्कूल में दो नाबालिग छात्रों के आपस के झगड़े का मामला सामने आया है जिसमें एक छात्र द्वारा दूसरे छात्र पर चाकू से हमला किया गया जिसमें एक छात्र घायल हो गया जबकि उसके दोस्त को भी बीच बचाव में चोट आई है। आपको बता दें कि जिस छात्र ने चाकू से हमला किया है वो भाजपा के कद्दावर नेता का भतीजा है, पर क्या नेताओं के रिश्तेदारों पर ऐसे कार्य शोभा देते हैं? डीजीआना न्यूज़ में आज बस इतना ही, कल हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।